मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि टेबल लैंप बनाओ। टेबल लैंप मैंने आज तक नहीं बनाया है, सोचा चलो इस बार ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक मग में वॉल पुट्टी लेकर वाटर भी मैंने इसमें ऐड किया है अच्छे से। इसका बहुत ही सॉफ्ट सा पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट मेरा बनकर रेडी हो गया है। देन मेरे पास ये बॉक्स था, तो मैंने जो मेरे पास कॉटन ग्लव्स था वो मैंने वॉल पुट्टी में अच्छे से मिक्स कर दिया। इस तरीके से पूरा कर देना है, कहीं से भी सूखा नहीं रहना चाहिए। सारा जितना भी पेस्ट था इस ग्लव्स पे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कुछ इस तरीके से। ये जब पूरा कवर हो जाएगी वॉल पुट्टी इस ग्लॉस पर, तो मैं इस बॉक्स पर ध्यान रहे आप, मैंने इसके अंदर पेपर नहीं लगाया था, बाद में मैंने दोबारा से इसको बनाया था, वो बेकार हो गया था पहले वाला, अंदर से मैंने कार्डबोर्ड लगा लगा। जैसे तैसे करके ऊपर का हिस्सा तो मेरा तैयार हो गया था। उसके बाद जो उसके अंदर पार्टीशंस वगैरह लगाने थे, बल्ब सेट करने थे, ये समझ में नहीं आया, तो मुझे एक आड़ छाने वाली छन्नी दिखाई दी, तो मैंने इसके दो पार्ट कर लिए थे। एक तो ऊपर लगाया है मैंने कुछ इस तरीके से, और अच्छे से मैंने इसको लगा दिया ग्लू वगैरह से। जो नेक्स्ट था वो जो नीचे वाला था वो मैंने इस तरीके से लगा कर, और जो ये साइडों में मैंने स्टिक को भी मैंने इसमें लगा दिया ग्लू स्टिक से। एल से इसमें जो ये मेरे पास एक पाइप था वो भी मैंने इसमें मिला के देख लिया था कि पिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये मैंने लगा के देख लिया अच्छे से चिपक गई हैं दोनों। और मैं अपनी हेल्प से इसे अंदर का जो पार्ट है वो सेट कर रही हूँ इस तरीके से। अब ये जो मेरे पास कुछ वायर्स और ये होल्डर था और इस पाइप में मुझे अटैच करना है, इस तरीके से मैंने इसके अंदर से जो इसके वायर थे अंदर से मैंने निकाल कर बाहर कर दिए हैं इस तरीके से। ये होल्डर भी रेडी हो गया है मेरा। अब इस पाइप को इस पॉट के अंदर सारे वायर्स हम डाल देंगे। ये प्रोसीजर तो रेडी हो गया है, अब नेक्स्ट करते हैं। लैम्प के ऊपर का पार्ट जो था, अब इस पे हम ग्लू लगाएंगे अच्छे से। ये मेरे पास सिल्वर डस्ट था, तो सिल्वर डस्ट को मैं इस पे फैला दूंगी इस तरीके से। ये कंप्लीटली मैंने पूरे में इस तरीके से लगा दी है, देखिए। जो ये मेरे पास पॉट है, एक साइड तो मैंने पेंट कर दिया था, दूसरी साइड अब मुझे करके दिखाना है क्योंकि वो मैंने दिखाया नहीं था। तो ये मेरे पास रेड कलर है, इससे मैं एक फ्लावर्स बनाऊंगी, तीन बनाऊंगी बल्कि इसमें इस तरीके से। आप ये जानकारी के लिए बता दो, ये जो ये मेरे पास पॉट था ये टी पॉट थी, तो अंदर से इसका जो कांच होता है प्रेशर बनकर वो टूट गया था, अंदर से चकनाचूर हो गया था बिल्कुल। इस टी पॉट को कुजीन मैंने फ्लावर पॉट बनाकर यूज़ किया है डेकोरेशन के लिए। उसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आई टेबल लैम्प के लिए, बस सोचा क्या टेबल लैम्प इसी से बना दिया जाए। आप यही सोच रहे होंगे कि इस टी पॉट का टेबल लैम्प बनेगा कैसे। पता है इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये फ्लावर्स तो ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट ही होने वाले हैं। ये मैंने ग्रीन से कंप्लीट कर दिया है, और इस पे मैं लीव्स बनाऊंगी। लीव्स बनाने के बाद मैं इस पे वार्निश भी करूंगी ताकि ये लंबे समय तक चलता रहे और इसमें कोई मतलब खराबी सी ना हो, खराब ना हो या छूटे ना। तो ये मैंने कर दी है वार्निश। इस पाइप को मैंने सेट कर लिया था। अब जो इसका टी पॉट का नीचे का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको मैंने निकाला और इसमें मैंने पाइप लगाया ग्लू गन की हेल्प से, जो मैंने इसके अंदर फिल कर दिया अच्छे से ताकि ये हिले ना,
और अच्छे से जमी रहे। ये मैंने होल्डर भी लगा दिया, ये वायर्स हैं, ये सारे वायर्स मैं हाइड कर दूंगी, इसके अंदर बिल्कुल छुपा दूंगी, दिखेंगे नहीं बिल्कुल भी ये इस तरीके से। और जो ये नीचे का पार्ट था, ये पहले से ही टूटा हुआ था, तो बस मैंने इसी के अंदर से ही निकाल दिए इसके जो वायर है। मुझे इसमें होल करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो अच्छे से इसमें आ गई है। इस तरीके से मैंने पूरा सेट बना के ये तैयार कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऊपर से पहले एक बल्ब चेक करूँगी, लगाऊँगी इस तरीके से। ये मैंने लगा दिया है। लैम्प का जो ये ऊपर का पार्ट है, ये भी मैं इसमें सेट कर दूँगी अच्छी तरीके से। ये मैंने लगा दिया, ये पूरा बनकर रेडी है। अब बस बारी है इसको चेक करने की। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा इसका फाइनल लुक। तो ये कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक था। आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए।